अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ सब्जियों के, मैंने कबाब बनाए हैं तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते ये उनको आप इस तरह करके खिलाएं वो भी इंशाल्लाह ताला खाएंगे। जो लोग करते हैं डाइट उनके लिए भी ये कबाब बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने आज में फ्राई किए हैं, जो डाइट के लिए बनाए वो इसको बटर में या ऑलिव ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रोटीन से भरे हुए हैं, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये पसंद आ जाए तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। सीज़न अच्छा और पालक भी बहुत मज़े की है, तो ये मैंने हाफ पुंज लिया है ग्रीन पालक का, तो इसको मैंने धो के साफ़ करके बॉयल किया है। बॉयल करके तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा दरदरा सा मैश कर लिया, ये देखें इस तरह का। तो इसके बाद मैंने ये लिए आलू, एक आलू लिया है, एक गाजर लिया है, और मेरे पास थोड़े से मटर पड़े हुए थे वो लिए। इन सारी चीज़ों को मैंने भी, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया। तो इसमें और जाएंगे ये मसाले, जो मसालों में जाएगी क्रश चिल्ली 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक भी 1 टेबल स्पून, और सुराख मिर्चें जो है वो भी 1 टेबल स्पून है। तो आप अपने हिसाब से मसाले जो है ना अपने हिसाब से फ्लेवर से डाल लें। तो ये अब मैं सबसे पहले, ये है पुदीना थोड़ा सा, एक सब्ज़ मिर्च है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है, आलू और गाजर और ये मटर है, इनको थोड़ा सा मोटा मोटा मैश करूँगी, ज़्यादा हलवा नहीं बनाना है इनका, हल्का हल्का मैश करना है। ये इनको इसी तरह जिस तरह पालक मैंने की है दरदरी सी, इसी तरह ये चीज़ें भी इसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा पुदीना और एक सब्ज़ मिर्च है। अब ये सारे मसाले इसमें डालने लगी हूँ। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लूँगी, अभी मैंने 2 डाले। अब इन सबको, चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, इनको मैंने डीप फ्राई नहीं करना, इनको मैं शैलो फ्राई करूँगी। व्यूअर्स, ये हमने जो अमेजा बनाया था ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो कबाब में ना ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा से ब्रेड क्रम्स डाल दूँ ताकि ये थोड़ा सख्त हो जाए, जब हम इसको अंडा लगाएं तो ये हमारे हाथ से निकले ना। बस ये देखें, मैं ये इसको अंडा लगा के, तो अब मैं ब्रेड क्रम्स लगाने लगी हूँ। ये देखें, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं, साथ साथ इनको फिर निकालना भी होता है। ये हो गया, तो व्यूअर्स ये देखें हमारे कबाब माशाल्लाह रेडी हो गए हैं सारे, हमने फ्राई कर लिए हैं, और ये देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से भी सारे पक गए हैं। पुदीने और दही की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े की हैं, शाम की चाय के साथ भी अच्छे लगेंगे, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।